गांव भादसों के कबीरपंथी कॉलोनी के बाशिंदों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर सरपंच पर सैनिटाइज ना करने और मास्क वितरित नहीं करने के आरोप लगाए हैं। कबीरपंथी कॉलोनी के ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि गत 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हुआ था, कोरोना महामारी ना फैले, इसीलिए सभी सरपंचों ने अपने गांव को सैनिटाइज किया और मास्क वितरित किए, परंतु हमारी कॉलोनी में सरपंच ने ना ही मास्क वितरित किए और ना ही सैनिटाइज किया। इसके अलावा कॉलोनी में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, जिस कारण कॉलोनी में रह रहे 20 परिवारों का जीना दूभर हो चुका है। नालों की सफाई ना होने से मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, परंतु सरपंच के साथ ही प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यदि जल्द ही गंदगी दूर नहीं हुई तो हम कोई भी ठोस कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया के वहां पहुंचने पर सरपंच ने कॉलोनी में सैनिटाइज करवाना शुरू कर दिया था। इस मामले में बीडीपीओ अंग्रेज मोर का कहना है कि सरपंच द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वितरित नहीं करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है, जल्द ही मामले की जांच करवाई जाएगी। पहली बात तो है नाले की प्रॉब्लम है, इसकी कोई सफाई नहीं करवाना, हम जिस तभी को मानी वो इन कह देगा पंचायत के अंडर में नहीं आई तो गवर्नमेंट के अंडर में, ना तो यहाँ गवर्नमेंट आवा और ना यहाँ कोई सरपंच आवा, ना कोई यहाँ मेंबर आवा, वोट लेनी यहाँ सारी दुनिया आवा। तो क्या स्थिति हो रही है? हम न इसकी साफ सफाई चाहिए और ना ही कोई हमारे पर कोई हाथ धोने का लेकर आया, नहीं कुछ, सारे काम में बंट गए। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं आया, मास्क वगैरह कोई कुछ भी कोई लेकर नहीं आया, या तो आज भी पता नहीं यहाँ किस तरह आ गए, कोई दवाई नहीं छिड़कना आया, आज भी पता नहीं, पहला लंबा रहा इनका दवाई छिड़कना, भाई पता नहीं पानी की कर रहे, पता नहीं दवाई की कर रहे, ये भी नहीं हमने तो पहला जी, इसमें हमने खुशबू ही नहीं मारी, कुछ नहीं होया, इसमें कीड़ी सरिक्की नहीं मरी, इसमें कोरोना कहाँ से बच जाएगी। भाई सरपंच पमाना दो दिन पहले फोन करा था, सरपंच ने बात कही मरते बाद यो डेरा कबीरपंथियों का, यो डेरा नहीं अंदर कहा बाद शोंगो माँ बाहर आना, मैं मैंने सरपंच से अब बात कही माँ वोट वास्ता आवा, इनका वोटा तो आई जाएंगी पर इस डेरे में मैं एक काम नहीं करवाता हूँ, ये बोलो क्या करा जी। SDM का रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आ, आप एक फिर यहाँ आकर देख सको प्रोग्राम तो है, ना तो कोई मेंबर आना, कोई सरपंच अंदर और कोई कुछ नहीं करता, ना तो दवाई ना दी, ना किसी ने कुछ नहीं करा, थोड़ी रस जानकर किसी कुछ बोलिया ना, सरपंच ने पूछा थोड़ी बार आकर, ना चेयरमैन जो बना गाँव के ऊपर और भी नहीं कोई आया, बताओ कोई आकर कुछ कर सका, क्या करा बताओ है, कोरोना फैल रही सारा कुछ हो रहा, बता क्या, हाँ जी ना मैंबर भी नहीं आता, थोड़ी मैंबर वोटा मांगना है, थोड़ी मैंबर भी आने का वार्ड ना पूछता, हाँ जी वो बता हम क्या करा फिर, हाँ बहुत जी कुछ नहीं जी, कुछ भी इनका खाना फ्री दे रहे मोदी, सारा कुछ फ्री दे रहे, कुछ नहीं दिया जी, कुछ भी आ थोड़ी हाथ धोने साबन भी नहीं आई, कपड़ा रुमाल कुछ भी नहीं आया, सर ऐसा तो कोई नहीं है, अभी ऐसी कोई बस्ती या कोई चीज रहेगी हो जिसको सैनिटाइज ना कराया गया हो, सैनिटाइज करवाया है, इस तरह की अभी तक एक भी कंप्लेंट, एक भी व्यक्ति का कोई टेलीफोन या किसी तरह का कोई मेरे पास मैसेज भी नहीं आया। यदि ऐसा कोई मामला, यदि ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आता है तो मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा, जैसे ही आपने बताया मैं अभी उनसे बुला के वहाँ के ग्राम सचिव और सरपंच से अभी बात करता हूँ कि वहाँ पे ये सैनिटाइज किया गया या नहीं किया गया, तो मास्क वगैरह, मास्क वगैरह भी दिला देंगे लोगों को। अच्छा बढ़िया सर, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.